हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग फॉर सक्सेस। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई जाए फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो बैंकिंग फॉर सक्सेस आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया है जिसके अंदर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? ये चार तरह के बेसिकली अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेविंग अकाउंट्स, सेकंड है करंट अकाउंट्स, एंड थर्ड है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एंड फोर्थ है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। इस वीडियो में आपको दो अकाउंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड सबसे पहले है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेस, ये कौन कौन ओपन करते हैं? ये इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेस जो चला रहे होते हैं वो इस चीज़ को ओपन कर इस अकाउंट को ओपन करते हैं। मिनिमम बैलेंस वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। नॉर्मली 500 रुपीज़ विदाउट चेक बुक फैसिलिटीज़, 1000 रुपीज़ विद चेक बुक फैसिलिटीज़। ठीक है, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं? देखो क्या होता है कि जब अकाउंट आप ओपन करते हो तो उसमें बोलते हैं कि मिनिमम इतना बैलेंस आपके पास हमेशा रहना चाहिए। तो 500 रुपीज़ विदाउट चेक बुक फैसिलिटीज़ एंड 1000 रुपीज़ विद चेक बुक फैसिलिटीज़ के साथ आपको बोला जाएगा ओपन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सम बैंक्स अलाउ प्रीमियम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद मिनिमम बैलेंस ऑफ 5000 टू 25000 रुपए। कुछ प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं जो मिनिमम डिपॉजिट 5000 टू 25000 अलाउ करते हैं अगर बैंक अकाउंट में ओपन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड बैंक्स ऑफर जीरो बैलेंस अकाउंट प्रीवियसली नोन एज नो फ्रिल अकाउंट्स एंड BSBDA, एंड नाउ अंडर PMGDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के। देखो कुछ पहले अगर आपने अकाउंट खोला है जो जीरो बैलेंस है जिसके अंदर कोई भी मिनिमम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना बैलेंस रखना है, सिर्फ आपको जीरो बैलेंस भी हो तो भी आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। इन सब में फ़ाइन लगता है फ्रेंड्स, एंड 1000 के नीचे अगर आपका बैलेंस है तो आपको कुछ फाइन देना पड़ता है। बट जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन होते हैं जिसको कहा जाता है नो फ्रिल अकाउंट्स एंड BSBDA अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं इसको। एंड ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी एक स्कीम निकाली गई थी पीएम के अंडर में। एंड इसमें क्या होता था कि लोग कोई भी अकाउंट खोल सकता है एंड विद जीरो बैलेंस। ठीक है, जीरो बैलेंस भी होगा तो भी आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबल फॉर द रेजिडेंट इंडियन अबव 18 ईयर एज। ठीक है, किसके लिए ओपन होता है ये? जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर होगी वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। एंड 10 टू 18 ईयर एज ग्रुप अकाउंट इज अलाउड विद सम रिस्ट्रिक्शंस। फॉर पर्सन बिलो 10 ईयर्स माइनर अकाउंट विद गार्जियन इज टू बी ओपन। ठीक है, 18 ईयर तक तो ओपन होता है, नॉर्मली हो जाता है। बट आप 10 से 18 ईयर के एज के बीच में है कोई तो उसका अकाउंट कुछ रिस्ट्रिक्शन सम रिस्ट्रिक्शन के साथ ओपन होगा। और बिलो 10, अगर उससे भी नीचे है, 10 के नीचे भी हैं, तो वो अकाउंट गार्जियन कोई होगा उसके साथ अकाउंट बनाया जाता है वो, फिर विद गार्जियन इज टू बी ओपन। ठीक है, गार्जियन ओपन करेगा एंड बनाया जाता है वो अकाउंट। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट वेरी फ्रॉम 4% टू 6%, मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफर 4% एट प्रेजेंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलता है इसके ऊपर, 4% टू 6% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बट मोस्ट ऑफ द बैंक जो ऑफर करते हैं वो 4% करते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज ए डिमांड डिपॉजिट एज द कस्टमर कैन विदड्रॉ एनी टाइम। इस सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है क्योंकि इस कस्टमर इसको कभी भी मनी निकाल सकते हैं इसमें से। देखो एक टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें एक फिक्स टर्म के लिए आपको सेविंग अपनी जो भी मनी है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है। बट ये सेविंग अकाउंट है, इसमें आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एज वेल एज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉ, बट नॉट इन्फोर्स स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑफ द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर बैंक्स। ठीक है, बैंक इम्पोज करती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको बोला जाता है, जैसे एक मंथ के अंदर आपको 4 से 5 ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, मतलब बैंक से पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, ऐसा रहता है। ठीक है, एंड
एंड कुछ जो बैंक्स होते हैं वो ये इन्फोर्स नहीं करते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर दूसरे बैंक ने बोल दिया कि हम तो 10 देंगे या फिर अनलिमिटेड कर लो, तो दूसरा जो बैंक होगा, जो पहला बैंक होगा, वो क्या करेगा, वो उस मतलब उसके फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, तो कस्टमर्स उसको बोलेंगे कि हम वाला बैंक क्यों लें, हम तो वाला बैंक लेंगे। तो कॉम्पिटिशन कम होने ज़्यादा होने की वजह से तो ये रिस्ट्रिक्शन कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जैसे कि और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपको कितना निकालना है। कुछ लोग, कुछ बैंक्स बोलते हैं आपको एक एक जो ट्रांजेक्शन उसमें आपको मैक्सिमम आप 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड 4 से 5 बार आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड वो हर बैंक्स में होते हैं अलग अलग, ठीक है। एंड उसके बाद है करंट अकाउंट, फिर आपका शुरू होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट करंट अकाउंट। देखो बैंक के एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ानी चाहिए, डेफिनेशंस बैंक में नहीं आती, बैंक के एग्ज़ाम में उसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फैक्ट्स का मेरा मतलब है जैसे कि पूछा जाए कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कितने कितने साल तक उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम एज क्या होती है उसकी, उसके अंदर, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, वो एक फैक्ट डेटा है। तो मैंने यहाँ पे वही फैक्ट और डेटा आपके लिए निकाल निकाल के लाया हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस इसमें से ही बनेंगे फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़रूर देखिए। एंड डेफिनेशन अगर पढ़ना है तो वन टाइम डेफिनेशन पढ़िए एंड छोड़ दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप फैक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको रटना स्टार्ट कीजिए, जो भी आप कर सके वो करिए उसके। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं करंट अकाउंट्स के ऊपर। फर्म्स एंड कंपनीज आर एलिजिबल टू ओपन द अकाउंट्स। फर्म्स कोई कंपनियाँ फर्म्स एंड कंपनियाँ एलिजिबल होती हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। फर्म्स उद्योग और जो कंपनियाँ होती हैं उसके जो ओनर्स होते हैं वो इसको ओपन करते हैं फ्रेंड, ठीक है। बेसिकली मीन फॉर द बिजनेसमैन टू रन अ बिजनेसेस, ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है जो बिजनेस चलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। करंट अकाउंट वही खोलते हैं। नॉर्मली फर्म्स कंपनीज ट्रस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन ओपन दैम, ठीक है। नॉर्मली फर्म्स ओपन करती हैं कंपनी, जो ऊपर लिखा था ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ द पर्सन कैन ओपन देम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रनिंग एंड एक्टिव अकाउंट। इसको रनिंग अकाउंट भी कहते हैं, एक्टिव अकाउंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्टिव अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तो ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। कैरी नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर जैसे उसमें क्या होता था, इंटरेस्ट आपको मिलता था, इसमें कोई भी आपको डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो लिमिट ऑन आइदर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दिन में, पूरे मंथ में कितने भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आप कितने भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल। इसमें क्या होता है, आपको जैसे आपको कोई अमाउंट की जरूरत पड़ी है अचानक से, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप यहाँ से शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर। उसके बाद आप देखो, आपको एक क्विज़ है, इसमें आपको क्विज़ पूछा जाएगा, जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया उसके ऊपर क्विज़ है, और इसका आंसर आपको कमेंट में फ्रेंड्स करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। तो मिनिमम एज ऑफ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इज, कितनी एज होती है, मिनिमम एज कितनी होती है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसका आप सही आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर करता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।